अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, इसकी काफी रिक्वेस्ट हमें आ चुकी है मैसेजेस पर, ईमेल पर, इवन चैट पर, कि डॉकर क्या होता है, डेवऑप्स जर्नी कैसे स्टार्ट की जाए, कुबरनिटीज कैसे काम करता है। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए हमने मल्टीपल सीरीज बनाने का फैसला किया है, जिसकी पहली सीरीज के साथ हम हाजिर हैं, जिसका नाम है डॉकर फॉर डेवऑप्स। जैसे कि मैंने बताया, ये कंप्लीट सीरीज हमारी कंटेनराइजेशन एंड ऑर्केस्ट्रेशन है, जिसमें हम स्टार्ट डॉकर फॉर डेवऑप्स से करेंगे एंड देन फिर हमारी इंशाल्लाह कुबरनिटीज की सीरीज भी आएगी। तो आई वुड लाइक टू वेलकम यू इन दिस वर्ल्ड ऑफ कंटेनराइजेशन। और ये हमारा आज का पहला लेक्चर है, जिसमें हम देखेंगे कि इस कोर्स में या इस जर्नी में हमारा क्या क्या लाहे अमल होंगे। स्टार्ट हम इंट्रोडक्शन से करेंगे, हमारा कोर्स क्या है, उसके टेक अवेज क्या हैं, फिर हम प्री कंटेनराइजेशन एरा को थोड़ा डिस्कस करेंगे, कंटेनराइजेशन और वर्चुअलाइजेशन की क्या डिफरेंस है, फिर कंप्लीट लाइफ साइकिल की हम बात करेंगे डॉकर की और कंटेनर्स की, कि कंटेनर किस तरह बनते हैं, किस तरह मैनेज होते हैं, शिप किस तरह होते हैं, और इनके नेटवर्क्स पर डिस्कस करेंगे। अब एंड टू एंड हम पूरा लाइफ साइकिल देखेंगे और साथ साथ इसकी लैब भी होगी, और आखिर में एक एक्सटेंसिव लैब होगी या एक प्रोजेक्ट होगा, जिसमें हम जो जो नॉलेज हमने एक्वायर की है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे रियल लाइफ प्रोजेक्ट के फॉर्म में। सो आई होप दिस जर्नी वुड बी अ गुड वन। क्विक इंट्रोडक्शन मेरा ऑलरेडी अवेलेबल है यहाँ पर, डिटेल इंट्रोडक्शन मेरा काशिफ साहब करवा चुके हैं ऑलरेडी, सो आप कनेक्ट भी कर सकते हैं मुझसे। अच्छा, अब हम ये सब करेंगे कैसे? डेफिनेटली हम थ्योरी को बहुत डीप डाइव करेंगे, साथ में हैंड्स ऑन लैब करेंगे, और इन सब की डेमोन्स्ट्रेशन भी होगी, इन सब प्रोजेक्ट्स के हवाले से लर्निंग मटेरियल भी कुछ शेयर किया जाएगा और साथ में प्रोजेक्ट्स भी दिए जाएंगे, एंड सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट। यस, आपने बिल्कुल सही सुना कि टेस्ट भी या क्विज की फॉर्म में या प्रोजेक्ट की फॉर्म में आपको टाइम टाइम या एंड में दिया जाएगा, ताकि आप अपनी जो लर्निंग है उसको इम्प्लीमेंट करके उसको इवेल्युएट भी कर सकें। ये सब जो हम करेंगे तो उसको हमने कंटेंट की फॉर्म में यहाँ लिख दिया। जितने भी टॉपिक्स हमने यहाँ पर शॉट डाउन किए उसमें थ्योरिटिकल पार्ट को भी ऐड किए हैं और लैब पार्ट को भी किए हैं। ऑलमोस्ट 70% चीज़ों को हम लैब भी करेंगे, बिकॉज जो चीज़ हम पढ़ते हैं थ्योरी में उसको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, सो ये पूरा डिटेल्ड एक कोर्स आउटलाइन है, इसको हम डेफिनेटली टाइम टाइम देखते रहेंगे। बट सबसे इम्पॉर्टेंट कि इस कोर्स का या इस जर्नी का क्या बेनिफिट है, कि डॉकर की बेसिक के साथ साथ आप इस काबिल होंगे कि आप बिल्ड और डिप्लॉय कर सके कोई भी एप्लीकेशन। आप डॉकर की डेफिनेटली प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन लैब की नॉलेज गेन करेंगे, अपने अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करेंगे, और आगे जो आपका डेवऑप्स की जर्नी है या क्लाउड की जर्नी है उसमें एक अहम संगे मील की हैसियत रखता होगा ये कोर्स। इसमें कुछ टर्म्स ऐसी होंगे जो शायद अभी आपने ना सुनी हो, फॉर एग्जाम्पल कंटेनराइजेशन या डॉकराइज एप्लीकेशन, ये हम डेफिनेटली आगे देखेंगे, तो उसमें आपने घबराना नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा डिटेल अगर मैं बताऊं कि डॉकर की हमने बात की, डॉकर क्या है अभी के लिए, सिर्फ एक अगर हम आसान लफ्जों में डेफिनेशन बताएं कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है डॉकर जो कि हमारी एप्लीकेशन को, हमारे सॉफ्टवेयर को, हमारी वेबसाइट को कंटेनराइज कर। अब भला ये कंटेनराइजेशन क्या है, इस चीज को जानने के लिए हम समझते हैं अपने नॉर्मल लाइफ के कंटेनर्स। जिस तरह हमें एक जगह से दूसरी जगह कोई सामान ले जाना होता है वो सी रूट के थ्रू, तो हम उस सामान को अपने कंटेनर्स में डालते हैं, और वो कंटेनर एक शिप के थ्रू आपको एक सी पोर्ट से दूसरे सी पोर्ट तक शिप करा के देता है, एंड देन आप वो आगे ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। तो इसी तरह एक सॉफ्टवेयर को, एक पैकेज को, एक एप्लीकेशन को अगर मुझे एक जगह से मूव कराना है दूसरे जगह पर, फॉर एग्जाम्पल कस्टमर की तरफ देना है या क्लाउड पे देना है, तो मैं उसको डॉकराइज करूंगा, उसको मैं कंटेनराइज करूँगा, और वो सॉफ्टवेयर जो मैं यूज करूंगा वो डॉकर। अब हम डिटेल डॉकर देखेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, कि डॉकर क्या होता है। अब मैंने जैसे आपको ब्रीफली बता दिया कि डॉकर एक एप्लीकेशन है और जो कि आपको कंटेनराइजेशन में मदद करती है, और जो एप्लीकेशन आपने कंटेनराइज की है वो किसी भी सिस्टम पे आप चला के देख सकते हैं जिसमें डॉकर इंस्टॉल्ड। जितने भी कंटेनर्स आप बनाएंगे उनको डॉकर मैनेज भी करेगा, उनको बनाएगा भी, उनको ऑर्केस्ट्रेट भी करेगा। तो अब जहन में एक क्वेश्चन मेरे आ रहा है कि भाई डॉकर क्या है। डॉकर एक वर्ड है, बेसिकली वर्ड निकला है डॉक वर्कर से, यानी वो लोग जो शिप पे काम करते हैं, उससे कॉन्सेप्ट निकला है कि डॉकर। सो कंटेनर्स पे जो काम करते हैं वो डॉक वर्कर कहलाते हैं, तो इसीलिए उन्होंने नाम डॉकर रख दिया।
अब डॉकर जो है वो एक कंपनी का नाम भी है और उनके एक प्रोडक्ट का भी नाम है। हम अभी जो बात कर रहे हैं, हम उस प्रोडक्ट की बात करेंगे, डॉकर की हम बात करेंगे और हम देखेंगे डॉकर किस तरह काम करता है। अच्छा, अब थोड़ी सी मैं कंटेनराइजेशन वर्ल्ड से पहले मैं जाता हूँ, जब हमारे पास मल्टीपल सर्वर्स होते थे। ठीक है, अब उन मल्टीपल सर्वर पे किसी पे हम ईमेल सर्वर चला रहे हैं, किसी पर हम डेटाबेस चला रहे हैं, किसी पर हम ईआरपी चला रहे हैं, तो हर सर्वर की अपनी कैपेबिलिटी है, बट उसमें एक इश्यूज आ रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, ईमेल सर्वर पे लोड कम है, डेटाबेस पे बहुत ज़्यादा है, ईआरपी सर्वर हर वक्त इन यूज रहता है। तो फिर किसी सियाने ने कहा कि क्यों ना आप एक हाई कैपेसिटी का सर्वर लें, सर्वर इज लाइक एक मशीन लें जिसकी बहुत ज़्यादा हाई कैपेसिटी हो, हाई रैम हो, हार्ड डिस्क साइज ज़्यादा हो, सीपीयू बहुत फास्ट हो, और उसके अंदर आप एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें जिसको हाइपरवाइजर कहते हैं। हम ये डिटेल में देखेंगे, मैं जस्ट एक आपको आइडिया दे रहा हूँ। और उस हाइपरवाइजर पे हम के थ्रू क्या करें कि उस सर्वर के ऊपर मल्टीपल वीएम बना लें या वर्चुअल मशीन बना लें। उस वर्चुअल मशीन को हम का फायदा क्या होगा हमें, कि हर वर्चुअल मशीन एक सेपरेट सर्वर होगा। लेट सपोज ग्रीन वन पे हमने ईमेल इंस्टॉल कर दी, ऑरेंज वाले पर हमने अपना डेटाबेस इंस्टॉल कर दिया और रेड वाले पर हमने ईआरपी इंस्टॉल कर दिया। अब हमें मल्टीपल सर्वर्स नहीं मैनेज करने, हमें एक सिंगल सर्वर को मैनेज करना है। उसमें हर वीएम या वर्चुअल मशीन एक सेपरेट एंटिटी, जिसमें अपनी एप्लीकेशन चल रही है, उसका अपना ओएस है, उसका अपनी लाइब्रेरीज हैं, एंड एवरीवन इज लाइक सेपरेट। इसकी बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको कॉमन लाइफ एग्जांपल दूं, इट्स लाइक अपार्टमेंट की जमीन का एड्रेस एक ही है, उसके ऊपर मल्टीपल फ्लैट्स, हर फ्लैट सेपरेट आदमी का है, उनका अपना घर है, उनका अपना किचन है, बट दे आर ऑन द सेम स्पेस। उसके मुकाबले में घरों की बात करें, एक सोसाइटी में उसमें 100 घर है, तो हर घर डिफरेंट आदमी का, हर किसी का डिफरेंट एड्रेसेस, क्योंकि वो डिफरेंट फिजिकल लोकेशन मौजूद। तो ये कुछ थोड़ा डिटेल हो गई प्री कंटेनराइजेशन एरे की। अब ये सोल्यूशन बहुत अच्छा था, बट इसमें कुछ इशूज थे। इशूज जैसे कि अगर एक वीएम में मुझे काम करना है तो मुझे बाकी वीएम्स को भी बंद करना पड़े, प्लस फिर वीएम के ओवरहेड्स थे कि मतलब ओएस, एक मेन ओएस था ऑपरेटिंग सिस्टम और एक वीएम का ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इन सब को देखते हुए हमें एक और फिनोमेना हमने यूज किया बाद में 2008 के अवाइल में, कि लिनक्स कंटेनर्स हमने यूज किया। हमने कभी डॉकर ने इस पे काम करना स्टार्ट किया, उसने कहा कि आपकी जो भी एप्लीकेशन है उसको आप डॉकराइज कर दें। डॉकराइज से मुराद क्या है, कि उसको कंटेनर में डाल दें। अच्छा, अब कंटेनर में डालने का फायदा क्या होगा, कि एक सर्वर पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा और सिर्फ डॉकर इंजन आप इंस्टॉल करें और उस पर मल्टीपल कंटेनर्स आप बना लें। अब मल्टीपल कंटेनर से क्या मुराद है, कि हर कंटेनर में डिफरेंट एप्लीकेशन चल रही हो। अब यही सेटअप हमारा वीएम में था, बट बड़ा अच्छा क्या हुआ था इस केस में, कि ओएस एक ही है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे हार्डवेयर का है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है, वही हमारा होगा। उसके अलावा कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम हमें इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। उस कंटेनर के अंदर सिर्फ एप्लीकेशन होगी और उसकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट की फाइल्स होंगी, दैट्स इट, और कुछ नहीं होगा। आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो कंटेनर का साइज कितना छोटा होगा, कितने फास्ट होंगे, कितने एजाइल होंगे और कितने क्विक टू बूट अप होंगे। जो काम वीएम बूट होने में 2 मिनट 3 मिनट लेता था, वही कंटेनर शायद मिली सेकंड ले रहा है। ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज था कंटेनराइजेशन का। और इसके भी कुछ और भी बेनिफिट्स है कि हमने कंटेनराइजेशन भी क्यों किया, इसके क्या क्या फायदे हैं, वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में देखेंगे। बट जस्ट फॉर गिविंग यू आइडिया कि हाँ भाई, कंटेनराइजेशन और वर्चुअलाइजेशन का क्या आपस में रिलेशनशिप है, प्लस वर्चुअलाइजेशन के क्या बेनिफिट थे और कंटेनराइजेशन के क्या बेनिफिट है, वो हमने देख ली। अब क्विकली से अगर हम उसको कंपेयर करना चाहें दोनों स्लाइड्स को, कि जो आपका वीएम सेटअप में था उसमें क्या था, कि आपके फिजिकल सर्वर पर एक आप हाइपरवाइजर इंस्टॉल करते हैं और ओएस इंस्टॉल करते हैं, मतलब बेसिकली फिजिकल सर्वर का मतलब है उसमें ओएस भी इंस्टॉल्ड है, एंड देन फिर आप हाइपरवाइजर इंस्टॉल करते हैं, एंड देन फिर उसमें मल्टीपल वीएम्स क्रिएट करते हैं, हर वीएम में अपना ओएस भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, एंड देन फिर एप्लीकेशंस भी हैं। कुछ कुछ का साइज ज्यादा होगा, कुछ का कम होगा, बट नेवरदरेस अच्छा खासा साइज होगा, वो काफी टाइम लेगा। बट कंटेनर ऑन द अदर हैंड, ओएस आपका सर्वर का ही होगा, मशीन का ही होगा, और उस पर आप सिर्फ डॉकर इंजन इंस्टॉल करेंगे और आप कंटेनर्स बनाएंगे। डॉकर इंजन बेसिकली क्या करेगा, कंटेनर्स बना रहा होगा, हर कंटेनर में अपनी एप्लीकेशन चल रही होगी, ठीक हो गया, और वो बहुत फास्ट होंगे, लाइट वेट होंगे, उसमें लाइसेंसिंग का इशू नहीं होगा। तो कंटेनर बेसिकली आपके कैपेक्स को भी कम करता है और आपके ओपेक्स को भी कम करता है, यानी कि आपकी जो रिकरिंग कॉस्ट होती है उसको भी कम करता है, आपकी ह्यूमन रिसोर्सेस
का जो एक्सपेंडिचर उनको भी कम करता है, प्लस आप मल्टीपल सर्वर्स में इन्वेस्ट नहीं करें तो आपकी मनी का फैक्टर भी कम होता है। सो ये थोड़ा सा हमने डिस्कस किया कंटेनर और वीएम का डिफरेंस। अच्छा अब हम बात कर लेते हैं एक छोटे से क्विज, एक छोटा सा क्विज है, इसका आंसर आप मुझे आप चैट में लिखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग डॉकर कंटेनर ओवर वीएम, यानी कि मैं इसको अगर आसान अल्फाज में बोलूं कि क्या बेनिफिट है कंटेनर यूज करने का ओवर द वीएम। मल्टीपल कंटेनर कैन बी रन ऑन द सेम मशीन, ये है। यूजेस होस्ट ओएस, ये है। कैन बी शेयर्ड एज इमेज, ये है। या ये सब है, तो आपने ABCD के फॉर्म में आंसर देना है। अब क्विज हमारा क्विकली से एक हो गया है, उसके बाद हम थोड़ा सा क्विकली रिव्यू कर लेते हैं कि हमने आज क्या देखा। हमने देखा कि भी कंटेनर्स जो होते हैं वो लाइट वेट कंप्यूटिंग सिस्टम होते हैं, जिसमें आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और आराम से उसको शिप कर लेते हैं, उसमें आप उसको कंप्यूट कर लेते हैं एंड देन यूज करते हैं। अब वो जो भी कंटेनर होगा उसके अंदर जो भी एप्लीकेशन चल रही होगी वो आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और कंटेनर का एक और फायदा है कि बहुत लाइट वेट है, बहुत फास्ट है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम वीएम की बात करें या वर्चुअलाइजेशन की बात करें, कि जहां पर आप एक सर्वर को वर्चुअली डिवाइड कर रहे हैं मुख्तलिफ वीएम्स में, तो हर वीएम एक आइसोलेटेड बट एक सेपरेट एंटिटी है, ठीक है ना। समझ लिया आप, एक वर्चुअली आप सर्वर के ऊपर बहुत सारे सर्वर्स बना रहे हैं, तो हर सर्वर एक अपनी आइडेंटिटी ले रहा है। वो उसमें ओएस भी इंस्टॉल कर रहे हैं, उसमें आप एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर रहे हैं। हाँ, बट ये है कि वो सारे वीएम्स एक सर्वर्स पे आ रहे होंगे, तो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है या वो तो आपकी सेव हो रही है, बट वो वीएम एक सेपरेट एंटिटी। तो एक थोड़ा सा क्विक रिव्यू हमारा जरूरी था, और आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम कंटेनराइजेशन पर डिस्कस करेंगे एंड देन फिर हम डॉकर को डिस्कस करेंगे एंड फिर हम उसकी लैब्स को देखेंगे। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू।